दोस्तों साइटिका की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे पवन मुक्तासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है, ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं। दोस्तों अगर आप में आपको घुटने में दर्द हो तो इस अभ्यास को ना करें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे अपनी ठुड्डी को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए और आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों अगर आपको कमर दर्द की समस्या है तो आप ऐसे आगे को ना झुके, आप सीधे ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। आपने सीधे लेटकर ऐसे अपने घुटने को अपनी छाती पर लगाने का प्रयत्न करना है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। अगर कमर दर्द नहीं है तो आप अपनी ठोड़ी को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। फिर धीरे धीरे नीचे ऐसे ही इस अभ्यास को अब हम लेफ्ट साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं, दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटने के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी छोड़ी को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए। दोस्तों कमर से संबंधित नसों में अगर किसी एक में भी दर्द और सूजन के कारण हमारे पैर में जब असहनीय पीड़ा हो जाती है तो इस अभ्यास को करने से आप उस दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट और राइट साइड से मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों अब इसी अभ्यास को अब हम दोनों पैरों से एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। आप अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने घुटनों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस स्थिति में आपके दोनों पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हो। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस पवन मुक्तासन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है, अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को अपने पैर के टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं, अपने दोनों हाथों से अपने पैर के टखनों को ऐसे पकड़ लेते हैं। फिर आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेना है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों यह सेतु बंधासन यानी कि ब्रिज पोज हमारी स्पाइन को स्ट्रेच करता है। इसे करने से हमारी स्पाइन को मजबूती मिलती है और यह साइटिका के रोगियों के लिए यह सेतु बंधासन बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। दोस्तों आप इन योगासनों के माध्यम से अपनी स्पाइन को स्ट्रेच मजबूत और फ्लेक्सिबल बना सकते हो और स्पाइन से संबंधित जो भी समस्या हो उस समस्या को दूर कर सकते हो। फिर धीरे धीरे नीचे ऐसे ही इस ब्रिज पोज को आप 8 से 10 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए अपने पूरे शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं, कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इसे करने से हमारे पैर हमारी कमर से निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्रों को मजबूती मिलती है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। इस समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे शलभासन योग। इसे करने के लिए आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है, ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर आपने अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने राइट पैर को ऐसे 45 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं, कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे श्वास भरते हुए ऐसे 45 डिग्री के एंगल में उठा लेते हैं।
श्वास छोड़ते हुए नीचे। दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमारे हिप्स, हमारे थाई मसल्स, काफ मसल्स, हमारे घुटने, हमारी एड़ी पर काफी प्रभावशाली प्रभाव पड़ता है और हमारे पूरे स्पाइन को स्ट्रेच करने के लिए यह सर्वासन योग बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे नीचे, ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट और राइट साइड से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए अपने पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसी अभ्यास को अब हम दोनों पैरों से एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। श्वास अंदर भरते हुए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे 45 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों इसे करने से हमारी स्पाइन काफी स्ट्रांग बनती है और इस अभ्यास को करने से आपको स्पाइन से संबंधित कोई भी रोग नहीं होंगे। ऐसे ही पहले आप 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर आप 30 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखें नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे धीरे नीचे को आ जाते हैं। ऐसे ही सर्वासन योग को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप अपने दोनों पैरों को श्वास अंदर भरते हुए एक साथ ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। थर्टी से 40 डिग्री के एंगल में ऐसे अपने पैर को उठा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग। दोस्तों अगर आप इसे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक पैर उठाकर राइट और लेफ्ट पैर एक एक करके उठाकर इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। जब आप उसे करने में आसानी हो जाए तभी इस अभ्यास को आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों अब इसी अभ्यास को अब हम दोनों हाथों से और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाकर प्रैक्टिस करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे अपने आगे से ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर को उठाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने हाथों और पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। धीरे धीरे नीचे, फिर इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों इसके बाद साइटिका की समस्या को दूर करने के लिए हम करेंगे भुजंग आसन। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है, ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है और आप अपने दोनों पैरों को पीछे से ऐसे चिपका सकते हैं या फिर आप अपने पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंट रख लेते हैं। अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के पास ऐसे रखना है। श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं जितना आप जा सकते हैं। कुछ देर ऐसे ही मेंटेन करके रखें, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही भुजंग आसन यानी कोबरा पोज को आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 5 से 10 ब्रीद ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। अपने पूरे शरीर को पीछे को ऐसे स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। हमारी स्पाइन को स्ट्रेच करने के साथ साथ हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इसके बाद धीरे धीरे चाइल्ड पोज में आ जाते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम साइटिका की समस्या को दूर करने के लिए नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सुप्त पाद अंगुष्ठासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना है और फिर अपने राइट पैर को धीरे धीरे ऐसे ऊपर को उठाना है। राइट हाथ
से अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। हो सके अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना आप जा सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमारे पूरे पैर की स्ट्रेचिंग होती है और यह हमारे थाई मसल्स, काफ मसल्स, घुटनों के लिए, एंकल्स और पंजों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे नीचे ऐसे ही इस अभ्यास को हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और लेफ्ट हाथ से अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं। फिर धीरे धीरे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैर के नीचे से लगा लीजिए। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही से लेफ्ट और राइट साइड से आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों कमर से संबंधित नसों में अगर किसी एक में भी दर्द और सूजन आ जाए तो हमारे पूरे पैर में असहनीय दर्द होने लगता है और इसे ही साइटिका कहते हैं। दोस्तों साइटिका के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति के कमर के निचले हिस्से से दर्द शुरू होकर पैर की एड़ी तक बहुत ही अधिक असहनीय दर्द होता है और दोस्तों साइटिका का दर्द लगभग एक ही तरफ होता है। इन अभ्यासों के अलावा आप सूक्ष्म योग अभ्यासों को भी प्रैक्टिस कीजिए। सूक्ष्म योगिक क्रियाओं के बाद आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। इन अभ्यासों और प्राणायामों के नियमित प्रैक्टिस करने से आप स्पाइन से संबंधित जो भी समस्या हो उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।